أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فيها بالغدو والأصال صدق الله مولانا العظيم اللهم على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في آخر كلامنا इबादत करो तुम सदा अपने रब की ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की ये दुनिया किसी की हुई है न होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी मिलेगी तो दो गज जमी ही मिलेगी। मिलेगी तो दो गज जमी ही मिलेगी। मुअज्जज ख्वातीन हजरात, मेरी प्यारी पर्दा नशीन माँ और बहनें, मुफ्ती मखमूर हयात साहब कासमी, जो अब हाई स्कूल के मास्टर भी बन चुके हैं, उनकी दावत पर और आप लोगों की मोहब्बत में मेरे ख़्याल में मैं तीसरी मर्तबा आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। वक्त बहुत कम है, इसके बीच में चंद बातें हम और आप मस्जिद से मुतालिक और अपने दीन से मुतालिक समात फरमा लें। मेरी गुजारिश है कि मेरी तमाम माँ और बहनें बिल्कुल खामोशी के साथ बैठे। मुझे पता है, मुफ्ती साहब ने बताया है कि हमारे गांव की तमाम माँ और बहनें आपकी तकरीर को सुनने के लिए बेकरार हैं, तो मैं आप ही लोगों की मोहब्बत की बुनियाद पर अपने सारे काम को पसे पुष्ट डालकर आपके बीच हाजिर हुआ हूँ। अब मैं आप हजरात के बीच जो बातें रखूँगा उसको आप ध्यान से सुने और कोशिश करें कि ज़िंदगी में हमें उस पर अमल की तौफीक मिल जाए। अल्लाह तबारक व तआला का घर इस धरती पर, इस ज़मीन पर सबसे खूबसूरत घर है, और अल्लाह का सबसे पहला घर जो है वो है खाने काबा, बैतुल्लाह। खाने काबा को एक रिवायत के मुताबिक हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बनाया, और उसके बाद उसकी तामीर किताबों के अंदर आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की भी है। फिर उसके बाद की तामीर तूफ़ान नूह, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद की है, और जिस तामीर को हम लोग अच्छे से जानते हैं वो तामीर है हज़रत इब्राहीम अला नबीजिना अलैहिस्सलाम, और इसी तरीके से उनके फ़र्जंद अर्जुमन पैगम्बर खुदा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, इन दोनों बाप बेटों ने मिल करके अल्लाह के घर को तामीर किया। तो सबसे पहले हमें जिस घर का इतिहास मिलता है और तारीख मिलती है, उस घर का नाम है बैतुल्लाह, उस घर का नाम है खाने काबा, उस घर का नाम है बैते खुदा। जब उस घर पर इंसान हज के लिए जाता है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, जब वो वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद जब खाना काबा के करीब इर्द गिर्द में वो जमा होता है और उसकी नज़र जैसे ही बैतुल्लाह पर पड़ती है, रिवायत के अंदर ये बात आती है कि जब बैतुल्लाह यानी खाना काबा पर किसी भी मोमिन मर्द का या किसी भी मोमिना औरत की नज़र पड़ती है, तो बैतुल्लाह पर जैसे ही नज़र पड़ती है, अगर वो मारने वाला अल्लाह को मानता और यकीन रखता है और बैतुल्लाह को देखते हुए वो कहता है कि ए अल्लाह, तेरे घर पर मेरी नज़र पड़ी है, इस पहली नज़र का
सदका है। मेरे दिल के अंदर, मेरे दिल के अंदर जो दुआएं हैं, मेरे दिल के अंदर जो उमंग है, मेरे दिल के अंदर जो ख्यालात हैं, ए परवरदिगार आलम, मेरे दिल में जो अंगड़ाइयां ले रही हैं, मेरे दिल में जो नेक तमन्नाएं हैं, मेरे दिल में जो आरजू हैं, मेरे दिल में जो ख्यालात हैं, ए अल्लाह, मेरे दिल में जो जायज मकसद है, तेरे बैतुल्लाह पर मेरी नजर पड़ी है, पहली नजर पड़ते ही ए अल्लाह मेरी इस दुआ को तू कबूल फरमा ले। रिवायत के अंदर आता है, जब मोमिन बंदा अल्लाह की बारगाह में बैतुल्लाह के सामने खड़ा होकर के दुआ मांगता है, उस पहली नजर के बदले में अल्लाह उस बंदे की दुआ को कबूल कर लेता है। यह है खुदा का पहला घर जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है, खाने काबा कहा जाता है। अब याद रखिए, एक घर तो वो है जो मक्का की सरजमीन पर है, और एक अल्लाह का घर वो है जिसे हम लोग अपने गांव में बनाते हैं। किताबों के अंदर आता है, पहाड़ की वादियों पर, संगलाख चट्टानों पर, रेतीली जमीन पर, दश्तों बहरों बर पर, जहां भी इंसान रहे, अगर कम से कम तीन इंसान भी रहता है तो उसको इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि सबसे पहले मैं अपना यहां पर अल्लाह का घर तामीर करूं। अल्लाह का घर किसे कहा जाता है? अल्लाह का घर कहते हैं मस्जिद को। एक घर होता है हमारा घर, एक आंगन होता है हमारा आंगन, और एक घर होता है अल्लाह का घर। मेरी माँ और बहनें ध्यान से सुने, इस उम्मत में जितनी कुर्बानियां मर्दों ने दी हैं, उससे ज्यादा कुर्बानियां मैं कहता हूं कि औरतों ने पेश की हैं। अगर आप तारीख को दोहरा करके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मुसलमान मर्द तो मस्जिदों में नमाज पढ़ने जाते हैं, औरतें हम तो नहीं जाते हैं, तो उस मस्जिद से हमारा क्या ताल्लुक? ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि जंगे बदर में पानी पिलाने वाली, जंगे उहद में पानी पिलाने वाली सहाबियात, और तारीख इस्लाम के अंदर बड़ी बड़ी जंगें जो लड़ी गई, उनमें जितना मर्दों का किरदार लड़ने का रहा, औरतों का किरदार उसकी खिदमत करने का रहा। आपको लगता है कि बगैर औरत के मर्द मुकम्मल है? कभी नहीं हो सकता। माँ की कोख से जन्म लेने वाला इमाम बुखारी, माँ की कोख से जन्म लेने वाला इमाम तिर्मिजी, माँ की कोख से जन्म लेने वाला इमाम मुस्लिम, माँ की कोख से जन्म लेने वाला इमाम अहमद बिन हम्बल, माँ की कोख से जन्म लेने वाला इमाम आजम नौमान बिन साबित, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, माँ की कोख से जन्म लेने वाले अइम्मा किराम, औलिया किराम, बुजुर्गान दीन, सहाबा किराम, अरे मुझे कह लेने दो कि माँ की कोख नहीं, आमना के लाल नहीं, इस धरती पर उस इंसान को जन्म दिया जिसकी वजह से इस कायनात को सजाया गया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामना ने जन्म दिया। आपको लगता है कि बगैर औरत के तारीख इस्लाम की हकीकत मुकम्मल हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वाच पूरा वीडियोस देखा, और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अदा फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक से वीडियोज़ में, और एक अच्छे और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।